भोपाल के कोहे फिजा क्षेत्र में एनिमल लवर संस्था के लोगों से मारपीट का मामला सामने आया, जहां एक एनिमल लवर को कुत्तों को भोजन कराना महंगा पड़ गया। इस दौरान रहवासियों ने कुत्तों को खाना देते समय महिला के साथ बदसलूकी की और डायल 100 को बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस की भी बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां लेडी कांस्टेबल के बिना पुलिस ने महिला को कोहे फिजा थाने ले गई और रात भर बिना किसी लेडी कांस्टेबल के थाने में रखा गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय एक लेडी कांस्टेबल मौजूद थी, लेकिन ड्यूटी खत्म होने की बात कहकर निकल गई, जिसके बाद महिला को सुबह 4 बजे छोड़ा गया। वह एनिमल लवर संस्था के लोग थाने में पहुंचकर विरोध जताया और महिला की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए और कहा बिना लेडी कांस्टेबल के थाने लाना महिला को गलत है। हम सब लोग एक एनिमल लवर है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें कल एक खबर आई कि कोहे फिजा क्या बोलते हैं ट्रेजल ब्लेज स्कूल के इधर एक लेडी को डायल 100 ने उठा लिया, वो भी विदाउट पुलिस कर्मी। उसको वो लोग स्टेशन लेके आए और वो भी इस रीजन से लेके आए कि वो फीड कर रही थी वहां पे। अब आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट का रूल यही है कि फीडर्स को पुलिस ही प्रोटेक्शन देगी, एंड जब पुलिस ही फीडर्स को लेके आ रही है यहाँ पे, तो फिर हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? उसको कल बिना महिला पुलिस कर्मी की लाया गया और फिर रात में क्या बोलते हैं उसके साथ कोई था भी नहीं। हम लोग 1 घंटे बाद आए, तब तक तो मैडम काफी ज्यादा रो रही थी, उनके हस्बैंड का भी कॉल आ रहा था, तो उनके लिए एक मेंटली हरासमेंट है। और वहां पे जो जितने भी लोग थे उन सबने उस महिला की स्कूटी खींची, उस चीज में पुलिस ने उनको नहीं रोका। इसमें यह है कि अब हमको आप बताइए कि एनिमल लवर्स को जो प्रोटेक्शन हमको पुलिस से हमको हम डिजर्व करते हैं, वो प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल रही है। ऊपर से बिना महिला पुलिसकर्मी के उठा के भी ले गए हैं, PCR में बिठा के रात को 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में बिठा दिया लाके। हम